उनकी पहचान सबसे अलग थी और उनके काम की दुनिया कायल थी। अपनी हाईटेक व्हीलचेयर पर निढाल बैठे ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसके कई राज खोल दिए। स्कूल के समय ही उनमें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी के लक्षण दिखने लगे। कुछ समय बाद उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बावजूद वो रुके नहीं और बात करने के लिए कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिंथेसाइजर की मदद ली, जिसे वो अपने हाथ से कंट्रोल करते थे। उनकी लोकप्रियता उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से बहुत बढ़ गई, जिसकी 1 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकी। कईयों ने इसे खरीदा पर कुछ ही लोग इसे पढ़ पाए। टाइम स्पेस और ब्लैक होल्स की उनकी समझ को आम इंसान के लिए समझना काफी मुश्किल था, लेकिन उनमें बातचीत करने की प्रतिभा कमाल की थी। वो मशीन के जरिए लेक्चर और इंटरव्यू देते देते एक सेलिब्रिटी बन गए। उनका निजी जीवन मुश्किलों से भरा था। उनकी पहली पत्नी जेन उनकी काफी देखभाल करती थी, पर साल 1990 में स्टीफन ने अपनी नर्स इलेन के लिए उन्हें छोड़ दिया। दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद खबरें आईं कि हॉकिंग के साथ घरेलू हिंसा हुई। पुलिस ने मामले की जांच की और सबूत ना होने की वजह से केस बंद कर दिया। इलेन और स्टीफन ने तलाक ले लिया। जीवन के अंतिम वर्षों में बोलने के लिए वो इंफ्रारेड बीम को अपने गाल से हिलाते थे। साल 2014 में उनकी जिंदगी पर एक फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आई, जिसमें अभिनेता एडी रेडमैन बने स्टीफन हॉकिंग। कैम्ब्रिज में उनकी एक मूर्ति भी बनाई गई। एक जीवित इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान है, पर यूनिवर्स के बारे में हमें और समझाना स्टीफन हॉकिंग के अलावा कोई नहीं कर सकता था।